तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं जानती हूँ आप सभी देख रहे होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज मैं बनाने वाली हूँ फ्रेंच ऑमलेट। जब मैं अपनी डाइट शुरू करती हूँ तो मैं रात के खाने में इसको खाती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर की जाए। तो इसके लिए मैंने 3 eggs लिए थे, जिसमें से मैंने येलो पार्ट उसका हटा दिया, क्योंकि हमें फैट को कम करना है, वज़न को कम करना है, बढ़ाना नहीं है। तो इसका ये वाइट पार्ट मैंने ले लिया, ये है 3 eggs, जिसका मैंने वाइट पार्ट अलग कर लिया, येलो पार्ट हटा दिए। और उसी के साथ हमने ये बॉयल लिए हैं, तो उसके लिए मैंने लिए है थोड़ा सा ऑनियन, थोड़ा सा टमाटर, यानी छोटा स्मॉल सा टमाटर, ग्रीन चिल्ली 4-5 अकॉर्डिंग आपके, क्योंकि ग्रीन चिल्ली से वेट नहीं बढ़ता है। अगर आप तीखा खाते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ब्लैक पेपर मैंने इसमें लिया है थोड़ा सा, और ये बॉयल मैंने स्वीट कॉर्न्स लिए हैं थोड़ी सी, और मिंट लिए हैं 2-3। तो रात के खाने के लिए मैं खुद की होममेड रेमेडी आपको बताऊंगी ग्रीन टी की। उसके लिए आपको लेना होगा क्यूमन सीड्स, फेनल सीड्स, कैरम सीड्स, लेमन, जिंजर, ब्लैक सॉल्ट एंड मिंट। यानी आपको थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा काला नमक, और 1-2 टुकड़े अदरक के, और 2-3 मिंट यानी पुदीना और लेमन। बनाने के लिए आपने 1 चम्मच ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, मुझे देसी घी पसंद है, तो वैसे भी हमें देसी घी खाना चाहिए, ये वेट को नहीं बढ़ाता है और आपको हेल्दी भी रखता है, स्किन ग्लो करता है। तो अभी इसको होने देते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा हो गया है काफ़ी हॉट। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको डालनी होगी ऑनियन, उसी के साथ स्वीट कॉर्न्स, टोमेटो, सब कुछ इसमें एक साथ डाल देना है आपको, अंडा नहीं डालना है अभी। अब हमने करना है इसको अच्छे से मिक्स। तो ये ऑलमोस्ट रोस्ट हो गए हैं, अब हमने इनको वापस से रोस्ट करके अभी निकाल लिया है, क्योंकि अब हम वापस से 1 चम्मच नहीं 1/2 चम्मच लेंगे, हम वापस से 1/2 चम्मच यानी 1/2 चम्मच घी ऐड करेंगे। देसी घी आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, ये वेट को नहीं बढ़ाता है, तो हम ये खा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हम देसी घी में खाना बना के खाएं, देसी घी 1 चम्मच रोज़ाना आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो ये हमारा एग अब हम इसमें डालेंगे। और इसके ऊपर ये ब्लैक पेपर डाल देंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छा दिख रहा है बहुत, और मैंने इसमें सॉल्ट ऐड नहीं किया है बिल्कुल भी, बस अभी इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। बस अब हम इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। मैंने इसमें सॉल्ट ऐड नहीं किया है बिकॉज मुझे सॉल्ट नहीं खाना है, अगर आप खाना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो अभी इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। तब तक हम बना लेते हैं अपनी ग्रीन टी। उसके लिए अभी हम ये लेमन को साइड में रख देंगे बिकॉज हमें लेमन अभी ऐड नहीं करने हैं।
तो ये जीरा इसमें डालेंगे, अजवाइन, सौंफ, अदरक, मिंट, सारी चीजें हम इसमें डाल देंगे। ब्लैक सॉल्ट अभी ऐड नहीं करना है और ना ही लेमन ऐड करना है। जब ये अच्छे से जोश हो जाएगी तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं ये अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है, हमें बस इसको सर्व करना है और ये भी रेडी हो चुका है, तो चले सर्व करते हैं। देख सकते हैं आप, आज का हमारा डिनर हो गया है रेडी। अगर आप चाहें तो इसको ब्राउन ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। सीरियसली इट्स टू यम्मी। ये ऐसी डाइट है ना जिसे खा के आपका पेट भी भरेगा और आपको मतलब टेस्ट भी मिलेगा साथ साथ, जरूर ट्राई करिएगा। अरे माय पानी हो गया।